हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये 6 और ये है आपकी 6 क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 23/7/2021 की। तो जल संरक्षण घर में कैसे करें, तो इस विषय पर आज की वर्कशीट है आपकी। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जल है तो कल है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने घर में खर्च होने वाले पानी का दुरुपयोग रोकना होगा। देखिए बेटा, आप लोग अगर आपके घर में एक दिन लाइट ना आए तो क्या होता है, अगर पानी ख़त्म हो जाए तो क्या होता है कि उस दिन पानी के लिए इतनी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पानी के लिए के बिना ना तो बर्तन धुल पाते हैं, ना हम नहा पाते हैं, ना हम वॉशरूम कर पाते हैं, कुछ भी तो नहीं कर पाते हम पानी के बिना। तथा रसोई में बर्तन धुलने में तथा सब्जियां फल आदि धुलने में प्रयोग हुए पानी को फिर से घर के छोटे बगीचे के पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए बेटा, जो रसोई में हम बर्तन धुलते हैं, सब्जियां फल धोते हैं, तो उनके धुलने में जो पानी का उपयोग किया जाता है उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको हम अपने बगीचे में जो है डाल सकते हैं, तो और पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए कि एक अन्य तरीका भी है इस पानी के उपयोग का, यह हो सकता है कि बर्तन धोने के सिंक और वॉश बेसिन के पाइप का संपर्क शौचालय के फ्लश टैंक से कर दिया जाए, जिससे उस पानी को हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे यहाँ पर इस जो है इसके बेस पर ही दिए गए हैं कुछ प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि पानी का प्रयोग रसोई घर में किन कामों में किया जाता है? तो पानी का प्रयोग जो है रसोई घर में हम जो है बर्तन धुलने, तो रसोई में हम यहाँ पर लिखेंगे रसोई में बर्तन धुलने तथा सब्जियां फल आदि धुलने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक लिख देंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, कि हम यहाँ से शुरू करेंगे पानी का उपयोग रसोई में बर्तन धुलने में तथा सब्जियों फल आदि धुलने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख देंगे किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कि सब्जियां और फल धुलने में प्रयोग हुए पानी का हम दोबारा इस्तेमाल कैसे करें? तो यहाँ पर लिखा गया है बेटा कि यहाँ से लिखेंगे सब्जियाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कि रसोई में बर्तन धुलने में तथा सब्जियां फल आदि धुलने में प्रयोग हुए पानी को फिर से घर के छोटे बगीचे के पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां तक हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, कि बर्तन धोने के सिंक से निकलने वाले पानी और वॉश बेसिन से निकलने वाले पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा कि जो है रसोई घर में बर्तन धुलने और जो है बर्तन धोने के सिंक, यहाँ से लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, कि बर्तन धोने के सिंक और वॉश बेसिन के पाइप का संपर्क शौचालय के फ्लश टैंक से कर दिया जाए, जिससे उस पानी का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये लिखेंगे। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्या आप अन्य कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हम घर में प्रयोग हुए पानी का दुरुपयोग जो है, क्या आप अन्य कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हम घर में प्रयोग हुए पानी का दुरुपयोग जो है उसको सदुपयोग कर सकें, यानी कि पानी का दुरुपयोग ना कर पाएं? तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हम अपने घरेलू कार्यों जैसे कि स्नान करते, बर्तन धोते समय या हाथ धोते समय या ब्रश करते समय अपने नल को खुला ना रखें, और नहाते समय पानी की बाल्टी का प्रयोग करें, और नल का ज़्यादा देर तक खुला ना रखें नल को। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।